आपको बता दें माध्यमिक विद्यालयों में होगी नियुक्ति, 929 पदों पर होगी गेस्ट टीचरों की नियुक्ति। शासन ने जारी किए नियुक्ति के आदेश, 1300 अन्य पदों पर भी होगी गेस्ट टीचरों की नियुक्ति। कार्मिक विभाग को भेजा नियुक्ति का प्रस्ताव। आपको बता दें देहरादून से अगली खबर, माध्यमिक विद्यालयों में अब नियुक्ति होगी गेस्ट टीचरों की 929 पदों पर। बात करेंगे सोनू सिंह से। जी सोनू, जिस तरह से ये खबर है कि 929 पद पर अब गेस्ट टीचरों की भर्ती होगी और शासन ने आदेश भी जारी कर दिए हैं, 1300 अन्य पदों पर भी गेस्ट टीचरों की नियुक्ति होना है, क्या अधिक जानकारी? देखिए, ये लगातार प्रयास किए जा रहे थे विभाग के स्तर से कि जो रिक्त पद हैं विभाग में उनको जल्द से जल्द भर लिया जाए, ताकि जो शिक्षा का कार्य है, पठन पाठन का जो कार्य है, वो कार्य प्रभावित ना हो। चूंकि एक सरकारी सिस्टम के तहत, एक नियमों के तहत ही इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाना है, लिहाजा अब ये आदेश जारी हो चुका है और जो आदेश है वो कार्मिक विभाग को दे दिया गया है, भेज दिया गया है। तो ऐसे में जो तमाम ये शिक्षक हैं, अब इनको अस्थायी तौर पर नियुक्ति मिल जाएगी। चूंकि इसमें 5034 तकरीबन ऐसे पद हैं जिन पर अस्थायी नियुक्ति की जानी है, जिसमें से 4105 लगभग इसमें कार्यरत हैं। तो 929 जो शेष पद बचे हैं इनको अस्थायी तौर पर गेस्ट टीचर के तौर पर इनको नियुक्ति दे दी जाएगी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में। तो इस पे ये माना जा रहा है कि जो शिक्षा का कार्य है वो और तेज रफ्तार पकड़ेगा, और इसके अलावा जो अन्य पदों पर जो नियुक्ति होनी है उसकी प्रक्रिया भी गतिमान है, उस पर भी जल्द जो विभाग के आला अधिकारी हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, वो कोई निर्णय ले पाएंगे, और जो अन्य पद रिक्त पड़े हैं शानिसा, उन तमाम पदों को भी जल्द भर लिया जाएगा। तो ये कोशिश की जा रही है कि तमाम जो रिक्त पद पड़े हैं, चाहे उनको अस्थायी तौर पर भरा जाए या परमानेंट स्तर पर भरा जाए, उनको जल्द से जल्द भर लिया जाए, ताकि जो रिक्त पद हैं उनकी भरपाई हो सके और जो कामकाज है उसकी गति को और तेज किया जा सके। जी सोनू सिंह, और जिस तरह से आपने बताया उत्तराखंड के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में जल्द ही शिक्षकों की कमी दूर हो सकती है, उत्तराखंड सरकार इन रिक्त पदों पर 929 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करेगी, गेस्ट टीचरों की नियुक्ति करेगी। उत्तराखंड शासन की ओर से इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन की ओर से जारी आदेश के अनुसार पूर्व अनुमति के क्रम में शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। सोनू, आपका बहुत शुक्रिया इन सभी खबरों पर जुड़ने के लिए हमारे साथ। आपको बता दें 1300 अन्य पदों पर भी गेस्ट टीचरों की नियुक्ति की जाएगी।